एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पंबासा में स्थित नारंगपुर गांव पड़ाव, जहां पर ग्रामीणों ने निधि यादव को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 5000 की आबादी व 2250 वोटर वाले इस गांव के ब्लॉक से दूरी 20 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 32 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 330 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 28 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 6 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 90 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ गाँव में 16 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वीरपाल सिंह यादव, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत नारंगपुर, विकास खंड पंबासा, डिस्ट्रिक्ट संभल। हमारे ग्राम पंचायत में दो गांव लगते हैं, नारंगपुर और बागड़पुर। दोनों गांवों में हमने सही अच्छा का जितना पैसा आया है वो सही रूप में प्रयोग किया है उसका। हमने मॉडल शौचालय भी बनाए हैं और लाइटें भी लगवाई हैं और खड़ंजे रास्ते भी कराए हैं। हमारे गांव के लिए कुछ रास्तों की उसकी धनराशि की ज़रूरत है, कुछ रास्ते खराब पड़े हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि हमारे ग्राम पंचायत के लिए कुछ धनराशि अतिरिक्त भेजने की कृपा करें। और हमारे यहाँ अभी तक कोई आवास की नहीं सूची बनी है, नहीं कोई बन पाए हैं प्रधानमंत्री आवास। अभी तक ना कोई हमारे पीरियड में शौचालय बने हैं, इनको हमने लिख के दे दिया है, अभी तक कोई कार्य हमारे यहाँ नहीं हुआ है। और राज्य सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जो हमारे गांव के विकास कार्य की आवश्यकता है, ज़रूरत है विकास कार्यों की, उनकी पूर्ति करने की कोशिश करें। धन्यवाद।